Assalamu alaikum 5th class, here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 6, Participles and Gerunds. Participles and Gerunds. Students, in our last lecture we have studied about present participles. Last lecture mein humne kiske related padha? Present participles ke related. Present participles kya hote hain? Verb ki first form ke sath jab hum ing use kar lete hain to wo kya ban jata hai? It becomes present participle. Okay, today we are going to study about past participles on page number 27. Here is our today's topic. Past participle. The past participle form of a verb may end in D, E, T, E, N, N or T. Yani jo hamari past participle forms hain, वो किस पे एंड करती हैं? डी या लगा होता है उसके साथ, या ई डी, या ई एन, या एन या टी लगा होता है. दिस फॉर्म ऑफ अ वर्ब में ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. यानी ये जो फॉर्म्स हैं पास्ट पार्टिसिपल्स वाली, ये भी एज अ एडजेक्टिव यूज होती है. एडजेक्टिव मतलब ये नाउन को ये भी क्वालिफाई करती हैं. लाइक फर्स्ट में है, फर्स्ट वन इज द बैरिड ट्रेजर वॉज फाउंड बाय सम चिल्ड्रेन. Buried treasure. अब bury जो है वो इसकी first form है. Buried बन गया. Second form है. Second form को हम क्या कहते हैं? Past participles कहते हैं. ठीक है. अब buried treasure. Buried treasure यानी दबाया, दफन किया हुआ खजाना. ठीक है. तो यहाँ पर ये buried as a adjective use हुआ और noun treasure को qualify कर रहे हैं. Next, his clothes were dirty and torn. His clothes were dirty and torn. तो अब इसमें क्या है? नंबर पी में torn. Torn क्या है? Form है. ठीक है, सिंपल है. यानी इसके साथ देखिए एन आया ना लास्ट पर, तो torn किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्लोथ्स, कपड़ों को. यानी हिज क्लोथ्स वर डर्टी एंड टॉर्न, यानी उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे. The lost child was soon found and returned to its mother. यानी अब इसमें lost, lost क्या है? ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है. और किसको? गुमा हुआ, खोया हुआ बच्चा. ठीक है, यानी अब ये चाइल्ड को नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है. ओके, ये था आपका पास्ट पार्टिसिपल यहाँ तक. अब आप आ जाए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28 पे. फर्दर हम पास्ट पार्टिसिपल को स्टडी करते हैं. Remember that the past participle forms of many verbs, including the regular verbs, are the same as their past tense forms. Compare the following sentences with sentences O and P given above. G. Regular verbs. Regular verbs students वो होते हैं जिसमें हम हमारी जो second और third forms जो बनती हैं वो first form से मिलती जुलती होती हैं. ठीक है, बस हम first form के साथ कुछ ना कुछ add करके. नहीं, अब बैरीज की first form थी, बैरी के साथ हमने y को ख़त्म करके i-e-t लगा दिया तो second form बन गई है. ठीक है, lost है तो lose के साथ हम ने लगा दिया, टीन लगा दिया तो वो सेकेंड फॉर्म बन गई. ठीक है, अब द ग्रीक समटाइम्स बैरिड देयर डेड्स, तो पास्ट टेंस है, यानी ये बैरी की सेकेंड फॉर्म है. द ट्रैवलर लॉस देयर वे इन द फॉरेस्ट, यानी ये लूज की, लॉस लूज की सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट. ओके, सेकेंडली द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ऑल्सो यूज विद अदर हेल्पिंग वर्ब्स टू फॉर्म द परफेक्ट टेंसेस. जी, परफेक्ट टेंस. ठीक है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब्स के साथ सेकेंड फॉर्म यूज होकर क्या करते हैं? परफेक्ट टेंस बनाती है हैज़ और हैड के साथ. ठीक है, शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर बुक्स, द चाइल्ड हैड टॉर्न इट्स न्यू ड्रेस. अब ये है फॉर्म आ गई पास्ट पार्टिसिपल और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़ या हैड आ गया. ठीक है, हैज़ आया तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, अगर हैड आया तो पास्ट परफेक्ट बन गया. ठीक है, यहाँ पर ये एज अ थर्ड फॉर्म यूज हो रहे हैं. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. So to avoid confusion, when the past participle form of a verb is used as an adjective, some grammarians called it an ed adjective. What you have to remember is that ed adjective are adjectives including those formed from verbs that end in d, ed, en, n or t. यानी जब आप past participles को ऐसे adjective use होंगे तो उसे हम ed adjective बोलेंगे. ठीक है,
The meaning of an ed adjective may be a little different from the usual meaning of the corresponding verb. अब देखें, यानी ई डी एडजेक्टिव, जब ये ऐसा एडजेक्टिव यूज़ होगा तो उसकी जो बेस फॉर्म होगी वर्ब, उससे उसका मीनिंग डिफरेंट होगा. अब देखिए यहाँ पर, नोटेड राइटर, नोटेड राइटर. अब नोटेड राइटर का क्या मतलब होता है? फेमस, मशहूर लिखारी, ठीक है, राइटर, मशहूर, फेमस राइटर. अब इसका अगर हम देखें, नोटेड का वर्ब देखें तो क्या बनेगा? नोट बनेगा. नोट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है ना, नोट. नोट का क्या मतलब होता है? टू नोटिस. यानी आप इसमें और नोटेड में बहुत डिफरेंस है इनके मीनिंग में. एनिमेटेड डिस्कशन, एनिमेटेड डिस्कशन मतलब लाइवली, ठीक है. अब एनिमेट, अगर हम वर्ब देखें तो एनिमेट का क्या मीन होगा? ब्रिंग टू लाइफ. यानी एनिमेट का मतलब होता है किसी बेजान चीज़ में जब जिंदगी आ जाती है उसको एनिमेटेड कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट नंबर टू इज़ द ई डी एडजेक्टिव मे नॉट हैव अ करस्पॉन्डिंग वर्ब एट ऑल. यानी समटाइम जो ई डी एडजेक्टिव्स होते हैं पास्ट पार्टिसिपल के, उनके वर्ब उनका नहीं होता है. लाइक अब जिस तरह हमने नोटेड में देखा, नोट वर्ब है. एनिमेटेड में एनिमेट क्या है? वर्ब है. तो कुछ में ये वर्ब नहीं होते. लाइक आर्मर्ड कार, आर्मर्ड कार. यानी आर्मर के साथ जब हम ई डी लगा देंगे तो मतलब प्रोटेक्टेड बाय मेटल कवर्स. यानी कार को जब प्रोटेक्ट किया जाएगा मेटल कवर से, इट विल बी कॉल्ड आर्मर्ड. अब आर्मर कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, ये एक नाउन है. वुडेड एरिया, अब इसमें वुडेड एरिया में वुड नाउन है, वर्ब नहीं है. हुडेड स्नेक में हुड नाउन है. बिलव्ड में कोई बिलव्ड जो है वो वर्ब नहीं है. कोल्ड ब्लडेड किलर में जो है ये नाउन है, कोल्ड पी और देन ब्लड, उसके साथ हमने एज ई डी लगा दिया तो कोल्ड ब्लडेड हो गया, ठीक है. यानी ये सारे जो नाउन्स हैं वर्ब इनमें नहीं हैं, ठीक है. रिमेंबर द नेम ई डी एडजेक्टिव इज़ यूज टू रेफर टू ऑल एडजेक्टिव दैट आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डी ई डी ई एन एन और टी एंड सम ऑफ देम मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी वर्ब और मे नॉट हैव एनी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब एट ऑल. यानी ई डी एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ डी ई डी ई एन एन या टी लास्ट पे लगाओ, और इसके अलावा उनके कोई, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब उनका नहीं होता, ठीक है. उनका जो जिससे वो एडजेक्टिव बना होता है वो वर्ब नहीं होता, मोस्टली का नाउन होता है. दो द डी ई डी ई एन एन और टी फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज एज एन एडजेक्टिव इज ऑफन कॉल्ड अ पास्ट पार्टिसिपल. वी शैल ऑलवेज कॉल इट एन ई डी एडजेक्टिव. जी पास्ट पार्टिसिपल को हम ई डी एडजेक्टिव भी कहते हैं. द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस. जी पास्ट पार्टिसिपल जो है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ये किसके लिए बनती है? यानी परफेक्ट टेंसेस बनाने के. यानी ऊपर हमने हैज़ और हैड देखा ना, तो हैज़ और हैड हेल्पिंग वर्ब्स थे, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लग गया, तो ये क्या बन गया? परफेक्ट टेंस बन गया. कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ अ वर्ब मे बी द सेम एज इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. कंपेयर एग्जाम्पल्स ओ आर एंड क्यू एंड एस. यस स्टूडेंट्स, अब आपको बता रहे हैं पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. यानी पास्ट टेंस फॉर्म जो है किसी भी वर्ब की, यानी सेकंड फॉर्म जो है वो उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के से सेम होती है. अब एग्जांपल्स थी हमारे पास ओ आर क्यू और एस, ये हम देख लेते हैं प्रीवियस पेज पर. ये रही एग्जांपल ओ, बैरिट, ठीक है. अब इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है इसकी? इट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बैरी. बैरी की सेकेंड फॉर्म थी, ठीक है. अब ये देख लें, क्यू में लॉस्ट है तो ये लूज की है, ठीक है. नेक्स्ट पर आ जाएं. अब वार्निंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयर फॉर टू फाइंड हाउ आउट हाउ द डी ई डी ई एन एन और टी फॉर्म ऑफ अ वर्ब हैज़ बीन यूज इन अ सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज. यानी आपने डी ई डी ई एन या एन टी, ये हमने कैसे यूज़ करने किसी भी सेंटेंस में वो देखें.
If it has been used on its own, that it is simple past tense of a verb. Yani a high wall protected the city from its enemies. Past tense of protect hai. Yani high wall protected. यहाँ पर ये जो protected है ये as a second form user है. यानी verb की second form है. ठीक है, protect first form है. ठीक है, यहाँ पर ये as a verb use हो रही है. अब if it is has been used as an adjective, it is an ed adjective. यानी यहाँ पर ये adjective है. कैसे हमें adjective का पता चलेगा? You cannot enter a protected area. Protected area. A protected area में ये protect as a adjective use हो रहा है. Protected area जो है वो noun है जिसको ये qualify कर रहा है. If it has been used with a helping verb, यानी अगर ये किसी helping verb के साथ use होता है, ठीक है, it is the past participle form of the verb concerned. अब ये देखें, the wall has protected, यानी अगर ये helping verb के साथ use होता है, has या had के साथ, तो ये कौन सा tense होगा? Perfect tense होगा. The wall has protected. Has protected, that means ये क्या है? Present perfect tense बन गया. ठीक है, ये अपने students past participle को अच्छे से read out कर लें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी exercise A जो है वो solve करेंगे. Okay students, take care and Allah Hafiz.